किस्तों पर घर या कोई जायदाद खरीद सकते हैं? हाँ जी खरीद सकते हैं। सिगरेट या तंबाकू वगैरह का काम करना जो है उलमा ने लिखा है जायज़ नहीं है, क्योंकि ये मकरूह है और बाद उलमा के नज़दीक तो हराम है, इसलिए ऐसे कारोबार से बचें जिसमें शुबो हो। मस्जिदों में जो कुर्सियाँ रखी होती हैं उन पे बैठ के नमाज हो जाए, अगर कोई माजूर है तो बैठ के पढ़ सकता है, माजूर न हो तो नजायज़ है। एनर्जी ड्रिंक जो है मैं एक तो जानता नहीं, और अगर आपको पता है कि उसमें खिंजीर के ज़र्रात हैं तो न पिए, बस मैं तो नहीं जानता वो क्या है। बीर रोहा है और कहते हैं कि 70 अंबिया ने, ये तो अल्लाह को पता है कि 70 अंबिया ने पानी पिया या नहीं, बहरहाल वो बीर रोहा है। जब कोई बंदा पाकिस्तान से उमरे के लिए आए, पहले मक्का जाए या मदीना कोई बात नहीं, जहाँ अल्लाह उसके असबाब पैदा करे। बाज़ उलमा यही कहती हैं कि पहले मक्के आके उमरा करे, गुनाहों से पाक होने के बाद मदीना हाजिर। अब तक बाज़ उलमा तो उसके उलट कहते हैं कि पहले मदीना जाए फिर मक्का है। तो बारह दोनों सूरतें ठीक हैं जैसे भी हालात हों। बहरहाल एक बंदे ने अपनी बीवी को कहा कि तुमने अपनी माँ से बात की तो तुम्हें 3 तलाकें। उस बंदे का इरादा था कि मोबाइल पर बात करे, मगर अब उसकी माँ अपनी बेटी घर आए जब क्या तलाक हो, हनफी मसलक में तो तलाक हो जाएगी क्योंकि तुमने मुअल्लक कर दी है तलाक माँ से बात करने से, बात करेगी तो वाकई हो जाएगी। ऐसी बातें और ऐसी हरकतें क्यों करते हो? वो अपनी माँ से भी बात ना करें क्यों? बस इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।